हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 6 मार्च 2020। आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़ी की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोड रहेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्टेट में एमपी को डिस्कस करेंगे, स्पेशल नॉलेज में ओईसीडी को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी रहेंगे। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। तो मोटिवेशन कोट है, नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानो। ओके, तो कभी क्या होता है कि हम लोग गिव अप कर लेते, पर गिव अप नहीं करना है, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप एक बार असफल हो जाते हैं, दो बार असफल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि निरंतर प्रयास करने पर आप असफल ही हो जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करते रहिए। हो कहते हैं ना, ताले की अंतिम चाबी कभी कभी ताला खोल देती है, गुच्छे की जो अंतिम चाबी होती है वो कभी कभी ताला खोल देती है। तो जब तक आपकी अंतिम चाबी नहीं आती, तब तक आप चलते जाइए, क्योंकि आपका ताला जो है, ताला रूपी सफलता है, वो एक दिन जरूर मिलेगी। ओके, महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ है, तो देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है। सेंटर फॉर लैंड वाटर वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भारतीय सेना की प्रज्ञान परिषद 2020 4 मार्च 2020 को कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड नामक अमेरिका के अनुसार भारत दुनिया के किस स्थान पर है जहाँ बचाने के लिए सबसे अधिक व्यापार संबंधी अवैध वित्तीय प्रवाह हैं? तो वो है 3रे स्थान पर, और इसमें अवैध व्यापार है $83.5 अरब का अवैध व्यापार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सार्वजनिक बैंकों में विलय के 4 बड़ी बैंक तैयार करने की मंजूरी दे दी है, तो वह कौन कौन सी हैं? अब 10 सार्वजनिक बैंक हैं जो बड़ी बैंकों में विलय कर दी जाएंगी, तो वह कौन कौन सी बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को विलय कर दिया जाएगा, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो जाएगा, इंडियन बैंक में इलाहाबाद का विलय हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पंजाब नेशनल बैंक में और कौन सी बैंक का विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने कितने कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 15 कलाकार हैं, उन्हें राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवासी भारतीयों द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी में निवेश को कितने परसेंट तक बढ़ाने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है? तो 100% संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च से 7 मार्च 2020 तक कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 मार्च को कहाँ स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में ये शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च को किस शहर में 35वां आहार खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में ये आतिथ्य मेला शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस शहर में 68वीं अखिल भारतीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता 2019-20 शुरू हुई है? तो भानू में, हरियाणा का पंचकुला जिला है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में स्नातक के छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, UGC ने ये पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कांग्रेस 2020 में बेस्ट के 12 पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं मैकमिलन एजुकेशन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय महिला कौन है जिन्होंने नवीनतम ICC के महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो हैं शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंगोत्सव 3 मार्च 2020 को किस शहर में हुआ है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में ये रंगोत्सव आयोजित हुआ है। 3 मार्च को राज्य विधानसभा में घोषित की गई उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है गैरसैंण, जिला चमोली। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश चंद्र अवस्थी, अभी तक ओपी थे, ओपी
ओम प्रकाश जी थे, अब हैं हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगा नियंत्रण क्रियाओं में तैनात महिला सैनिकों की सुरक्षा के लिए फुल बॉडी प्रोजेक्टर प्रबला नामक विकसित करने वाली व्यक्ति कौन है या महिला कौन है? तो वो हैं डॉक्टर श्वेता रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक स्पॉटिफ्लो TM तकनीक से विकास का नेतृत्व किया जो सेप्टिसीमिया जीवाणु का तेजी से सस्ता निदान और उपचार प्रदान करती है? तो डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। अब बात करेंगे समान ज्ञान की। सेतु भारतम योजना की आरंभ कब हुआ था? तो 4 मार्च 2016 को। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1977 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण APIDA का स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वाणिज्य मंडल, भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, महानिदेशक इसके दिलीप चुनॉय हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 में, और मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो दुबई UAE में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1953 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर संस्थापक पूछ लिए जाए तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। हाँ, तो पहली न्यूज़ है विश्व वन्यजीव दिवस। तो प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का प्रमुख संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, साइट्स और अन्य क्षेत्रीय और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोप्लैनेट K2-18V एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार K2-18b एक्सोप्लैनेट जो पहली बार नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था, वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मानस मिशन। जुलाई 2022 में नासा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में स्थित एक धातु से भरपूर क्षुद्रग्रह मानस का पता लगाने के लिए एक रोबोट मिशन शुरू करेगा। नासा ने इस मिशन के लिए SpaceX के फॉल्कन हैवी रॉकेट का चयन किया है। मानस मिशन नासा का पहला मिशन है जो SpaceX के हैवी लिफ्ट लॉन्चर पर उड़ान भरने का काम सौंपा गया है। ओके, अब नासा ने क्या किया है कि एक SpaceX हैवी लिफ्ट लॉन्चर उड़ान भरने का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है, या इसको उसके गवर्नमेंट के द्वारा सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार। 15 कलाकारों को 4 मार्च 2020 को राष्ट्रीय राम ललित कला अकादमी के 61वें वार्षिक पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। अब ललित कला अकादमी के बारे में जान लेते हैं। 5 अगस्त 1954 को केंद्र सरकार ने ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। 1957 में अकादमी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अकादमी एक वैधानिक अधिकार बन गई। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज है, UN स्पाइडर। तो क्या है ये UN स्पाइडर? UN स्पाइडर ने इस्तांबुल टर्की में 18 से 20 फरवरी 2020 तक अंतरिक्ष आधारित और भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके शुष्क क्षेत्रों में लड़ाकू आपदा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बदलती जलवायु और बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाओं से लड़ने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 4 मार्च 2020 को PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन पर प्रत्यक्ष विदेश नीति को मंजूरी दे दी। इससे पहले NRI को हवाई परिवहन सेवाओं में केवल 49% FDI की अनुमति थी, लेकिन अब नीति के अनुसार 100% की अनुमति है। हवाई परिवहन सेवाओं में NRI के लिए FDI बिक्री की अनुमति है। ओके, तो ये इन्होंने पहले 49% FDI की अनुमति थी, अब 100% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, API की निर्यात नीति सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री में संशोधन किया गया है। सरकार ने निर्यात नीति और निर्दिष्ट API और API से तैयार योगों से प्रतिबंधित निर्यात में संशोधन कर दिया है।
अब नेक्स्ट जो रहेगा स्टेट रहेगा, कल भी हमने मध्य प्रदेश को डिस्कस किया था, आज भी करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, ज़िले हैं 52 मध्य प्रदेश में। राजभाषा अगर पूछ ली जाए तो हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल जो है लालजी टंडन है। मुख्यमंत्री अगर पूछ ले जाए तो कमलनाथ जी हैं। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें 231 हैं। संसद राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं 29 हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो उच्च न्यायालय है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है और इसकी जबलपुर में एवं खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश जो है मध्य प्रदेश के वो वर्तमान में अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश की सीमाएँ 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में इनके राजस्थान है। हाल ही के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर राष्ट्रीय औसत के से ऊपर रही है। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010 से 11 के बीच राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल यहाँ के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले के प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ जो कि छिप्रा नदी के किनारे लगता है, मेले का पुण्य विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। वो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो प्रदेश है मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशु जो है चीतल है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भी हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व भी हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और संजय टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं OECD को। स्थापना 1938 में OEC के रूप में हुई थी। 1961 में से OECD के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। आधिकारिक भाषा अगर पूछ ली जाए तो वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव हैं सचिव जो हैं OECD के जोस एंजेल गुरेयर हैं। उप सचिव हैं रिंटारो तमाकी और उप सचिव प्रमुख हैं मैरी कीवनियामी। ओके, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में 35 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है, विकसित देशों के रूप में माना जाता है। OECD का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक है। OECD का मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो ये आपको याद रखना है, OECD का मुख्यालय। OECD के फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, स्थापना 1960 में। अब स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में 15 जून को हुई थी। मुख्यालय UAE अमीरात में है। ओके, दुबई में है। ओके, विश्व डोपिंग रोधी संस्थान मतलब कि बाडा की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई, 10 नवंबर को। मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कैनेडा में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1913 में हुई, मुख्यालय लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1946, 4 नवंबर को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी, 1 मार्च को। मुख्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। ओके, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय इसका भी नोएडा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना हुई 1997 में, मुख्यालय नई दिल्ली में मिल जाएगा। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। पहला क्वेश्चन है, उत्तर युग में
जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन था, वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे किसे दी गई? तो समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवंती से मानते हैं, तो वो थे धन्वंतरी। ओके, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त शासक थे श्रीगुप्त जी। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का रोम भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों द्वारा आक्रमण किया गया, तो रोम के साथ जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वारेमेर के सुविख्यात नाम किसके युग के नाम से संबंधित हैं? तो गुप्त वंश के नाम से संबंधित हैं। ओके, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धता उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धता उसमें उत्कीर्ण है। चीनी यात्री फायन किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो फायन था किसके कार्यकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। गुप्त शासकों के बारे में कुछ कौन सा कथन इसमें उचित है? तो उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया था। राजवंशगत तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी आई। तो राजपद जो था वंशागत था तथा और सिंहासन जो था सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। तो ये बिल्कुल सही है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि। फायान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक GS के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और क्वेरीज आपकी जो हो उसे मेंशन कर दीजिएगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और खबरी ऐप पर हमें फॉलो करें, वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आप छोटा सा वीडियो था हमने बना दिया, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।